सबको मैं निवेदन करता हूं कि कृपया श्रीमद मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा शॉल ओढ़कर आप की जो सेवा की परंपरा है उसको आगे बढ़ावे। व्यवहार क्षत्रिय महासभा जिला उदयपुर के कर्मठ योद्धा और अध्यक्ष हमारे अपने लाडले युवा साथी श्रीमान केम सिंह जी रणावत तो क्या वे बधाई हैं एवं सम्मान ग्रहण करें। समाज को अर्पण करता हूँ जिसकी कीमत ध्वनि से इस के लिए साधुवाद धन्यवाद एवं सबको छूते हुए प्रणाम करते हुए और उसको सम्मानित करते हुए मैं राजस्थान की यात्रा को शुरू करूं और आज मैं मेवाड़ की उस धरती के ऊपर नतमस्तक हूं जिनके भगवान एकलिंग जी चार भुजा जी श्रीनाथ जी और सावरिया सेठ की कृपा से कण कण इस क्षेत्र का पवित्र है। और इसीलिए जिस तरीके से डिग्गी में जाने से पहले कल्याण जी के दर्शन किए जो कि मैं समझती हूँ कि इनका आशीर्वाद जब होता है तो जो भी कल्याणकारी काम होते हैं उन पे चार चांद लग जाते हैं और इसीलिए आज नाथ द्वारा के दर्शन करते हुए एकलिंग जी के दर्शन करते हुए आप लोगों के बीच में उन सब का आशीर्वाद लेते हुए आई हूँ ताकि सुबह से चलता हुआ कार्यक्रम है 8 बजे से मैं सुन रही हूँ कि फिरे चले और तब से लेके अब 2:30 बजने को आ रहे हैं। आप लोगों ने सब कार्यक्रम में भाग लिया और यहाँ 2 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है परंतु कोई डस से मस नहीं हुआ। सब लोग शांति के तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और आप ही नहीं पर आप लोग जो बैठे हैं उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आधा पंडाल आज हमारी छत्राणियों से भरा हुआ है और मैं तो ये जानती हूँ कि जब आप लोगों का साथ आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का विश्वास मिल जाता है तो सबके सब घरों का आशीर्वाद वैसे भी मिल जाता है तो इसलिए ये पंडाल आधा आप लोगों से भरा हुआ देख के मुझे बड़ी खुशी है। कई बातें यहां मेरे को सुनने को मिली हैं और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूं कि कभी कभी हम लोगों को अपने ही समाज से एक किस्म से घबराहट होती है। एक जमाने में राज किया था और जब राज किया था तो सब परिवारों को अपने अधीन रख के अपने परिवार जैसे समझ के उनका भला करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। आजकल के जमाने में एक पदवी दी जाती है कि ये सब सामंती हैं। मैं बार बार इस बात को कहती हूं कि अगर सामंती का मतलब यह है कि अपने क्षेत्र का स्वाभिमान अपनी जनता का स्वाभिमान बना के रखना अगर इसका मतलब यह है कि छोटे से छोटे कौम को दिल से लगा के चलना मजहब को अपने साथ में लेके चलना अगर सबकी रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देना अगर यह सामंती कहलाया जाता है तो मैं अगर से कहती हूं मैं सामंती हूं। राज में जो भी होता है उसका सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी यही होती है और इसीलिए ऐसे ऐसे सरदार लोग इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं जिनसे मिलके जिनको जान के मुझे बड़ी खुशी होती है और भले ही राजनीति ना हो ये प्रदीप सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीति तो अपने खून से जाने वाला नहीं है क्योंकि अपन ने जिंदगी अपन पैदा ही हुए राजनीति के अंदर और अपन इसको आगे चलाएंगे चाहे पुराने जमाने की राजनीति थी उसमें हम लोग थे या आने वाले राजनीति है उसके अंदर अपनी छाप अपन छोड़ के जाएंगे। कैसे इतिहास हमको देखेगा यही सबसे बड़ी बात है और उसको अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सवाई मान सिंह जी का नाम जयपुर के अंदर बहुत बड़ा था काम किया था उनने जयपुर को आगे बढ़ाया था तो हमको हम शर्मिंदा क्यों हुए 12 साल तक हमने उनकी स्टैचू क्यों नहीं लगाई क्या मुसीबत हो गई थी। किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको आगे बढ़ाना उसका नाम देना मैं नहीं समझती कि कोई बहुत बड़ा गुनाह है। स्टैचू लगाने का हम लोगों ने मिलकर काम किया उमेर सिंह के नाम से फुटबॉल स्टेडियम जोधपुर के अंदर खंडवा के अंदर महाराज सांगा के नाम से और मीरा का मंदिर हम लोगों ने
मेड़ता के अंदर उसका जीर्णोद्धार करके इतना सुंदर बनाया कि उस पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आने लगे। इसमें गर्व है, ये हमारी हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को हम याद रखेंगे और ये हमारे अकेले की हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे राजस्थान का इतिहास है। इस राजस्थान के इतिहास को कर्नल टॉड ने लिखा है। इस राजस्थान के इतिहास को छूने के लिए, समझने के लिए लोग दूर दूर से बाहर से आते हैं, हमारी इमारतों को देखते हैं, हमारे इतिहास को सुनते हैं और रोंगटे उठ जाते हैं उनके, और इस सब को छू के यहां से वो वापस जाते हैं। तो राजस्थान का नाम पूरे विश्व में है, इसलिए राजनीति तो हमारे खून में होगा। परंतु आज नहीं, पिछले कल नहीं, आने वाले कल के अंदर भी ये हमारे ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी हुई है कि सबको साथ लेके चलना, सबको गले से लगा के चलना और सबकी लड़ाई को लड़के और उनको अपने पैर पे खड़े होने का इंतजाम करने की कोशिश करना, ये हम सबका हक बन जाता है। और मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारी के साथ साथ उसको हम आगे